गुड इवनिंग टुडे इज ट्वेंटी थर्ड जनवरी और टाइम हुआ है छः बज के सोलह मिनट और टेम्परेचर है पंद्रह डिग्री पांच मिनट के अंदर न्यूज हो सकती है क्या फर्स्ट न्यूज है राम टेम्पल इनोग्रेशन कल राम टेम्पल की इनोग्रेशन थी ज्यादातर लोग आए थे जिन जिन को बुलाया था एम एस धोनी नहीं आया अपनी अपनी चॉइस है सचिन तेंदुलकर केम विराट कोहली केम ही इज नॉट ऑल्सो प्लेइंग द टेस्ट मैचेस पर्सनल रीजन्स की वजह से और ऑब्वियसली अनुष्का शर्मा भी नहीं आई <laughs> क्रिकेटर्स में सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही आया था एक्टर्स के अंदर रणबीर कपूर विक्की कौशल कैटरीना कैफ आलिया भट्ट आयुष्मान खुराना रोहित शेट्टी जितने लीडिंग एक्टर्स थे लीजन को बुलाया था सब आए थे कंगना रनौत <laughs> उसके अलावा सोनी पुल्स प्लग ऑन टेन बिलियन मर्जर विद जी सोनी इंडियन वर्जन और जी के बीच में मर्ज होने वाला था मर्जर होने वाला था दस बिलियन डॉलर्स का टुडे सोनी इंडिया पुल द प्लग नहीं रहा मर्जर टर्मिनेशन लेटर भेज दिया उनको और अब मर्जर नहीं होने वाला चाइनीज रिसर्च शिप्स रीच मॉल चाइनीज रिसर्च शिप स्पाई वेसल है वो मॉलदीव्स पहुंचने वाली है इंडिया लॉस्ट मॉल दीवस जैसे इलेक्शन हारे इट्स गॉन मॉलदीव्स के अंदर इंडियन नेवी रहती थी पिछले 20 साल से दे आर टोल्ड टू लीव बाय मार्च फिफ्टींथ और चाइनीज रिसर्च वेसल्स आ गई हैं जो अभी पहुंच जाएंगी मॉल मॉल दीवस की कैपिटल गुड थिंग इज लंका ने रिफ्यूज कर दिया परमिशन उसको डॉक करने के लिए सो so, नेबरहुड के अंदर लंका इज प्रो इंडिया बांग्लादेश इज प्रो इंडिया नेपाल इज प्रो इंडिया एट प्रेजेंट म्यांमार इज प्रो चाइना मॉल इज प्रो चाइना पाकिस्तान इज अफकोर्स प्रो चाइना चाइना इज अफकोर्स प्रो चाइना टिप इट डजेंट एग्जिस्ट एनी मोर अफगानिस्तान इज प्रो अमेरिका थर्ड संडे जनवरी को जनवरी का जो थर्ड संडे होता है वो हर साल मुंबई मैराथन होती है दिस ईयर टू पीपल अनफॉर्चुनेटली लॉस देयर लाइफ बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट तो अगर कभी लाइफ में कुछ एडवेंचरस करने का मन हो सर्दियों में दिल्ली में तो दिल्ली से फ्लाइट लो बॉम्बे की <laughs> और मुंबई मैराथन में पार्ट लो राजीव राजदीप सरदेसाई ऑलवेज अटेंडेड इनफैक्ट <laughs> मुझे पता ही उसकी वजह से चला टुडे इज बर्थडे ऑफ सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस रेड फोर्ट के ऊपर पीएम मोदी एक पराक्रम उत्सव स्टार्ट करने वाले नौ दिन का आज शाम चार बजे रेड फोर्ट पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा होगा वैसे भी यूट्यूब पे बहुत से लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई बहुत से लोग बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू ने दिलाई बट जो सोल्जर्स हैं दे बिलीव सुभाष चंद्र बोस वॉज द रीज़न बिकॉज जिसकी वजह से एक हद तक आज़ादी मिली है <laughs> और जो आज़ाद हिंद फौज के सोल्जर्स थे उनको थर्टी थाउजेंड रुपीज़ पेंशन देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ अ वाइज डिसीजन हालांकि बहुत से सोल्जर्स तो अब नहीं रहे जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उनकी वाइफ्स उनके वाइफ्स तक कहीं मिलता बच्चों को नहीं मिलता कल राम टेम्पल का इनोग्रेशन हो गया है पी मोदी ने बोला है राम राज्य आ गया है एंड राम इज नॉट फायर इट्स एनर्जी राम इज़ नॉट कॉन्फ्लिक्ट इट्स रेजोल्यूशन सो नो मोर जय श्री राम इट्स यावर रामचंद्र की जय <laughs> और जिस दिन ये हुआ उसी दिन शाम को वर फ्यू कम्यूनल क्लैशेज बिटवीन टू कम्युनिटीज हिंदू एंड मुस्लिम्स इन मुंबई रिपोर्टेड फ्रॉम मीरा रोड 1992 के अंदर भी आफ्टर डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ हिंदू मुस्लिम क्लैश स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई वाई मुंबई ऑलवेज इट्स अ बिग क्वेश्चन निकी हेली इज द लास्ट वुमन स्टैंडिंग बिटवीन ट्रम्प बाइडन री मैच निकी हेली बचिए और वो भी शी विल बैक आउट डेमोक्रेट्स का कैंडिडेट होगा बाइडन और रिपब्लिकन्स का होगा ट्रंप और ट्रंप बाइडन री होगा मोस्ट प्रोबली ट्रंप जीत जाएगा <laughs> श्योर कुछ भी नहीं है कैनेडा कैप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनटेक को टू थ्री पॉइंट सिक्स लाख एमिट हाउसिंग शॉर्टेजेस कैनेडा हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाता है पिछले साल से इस साल थर्टी फाइव परसेंट का डिक्लाइन है क्योंकि हाउसिंग शॉर्टेज चल रही है ट्वेंटी ट्वेंटी टू का डाटा है जिसके अंदर पांच पॉइंट पांच लाख स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गए थे कैनेडा के लिए जिसमें से साढ़े पाँच लाख में से दो लाख बीस हज़ार इंडियंस थे सेकेंड नंबर पे चाइनीज थे फिफ्टी टू थाउजेंड सो दिस टाइम दे हैव कट डाउन टू थर्टी फाइव परसेंट फ्रॉम द ला ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नंबर इस साल सिर्फ तीन लाख साठ हज़ार इनटेक ले रहे हैं वो अब उसमें से दो लाख बीस हजार इंडियंस तो नहीं होने वाले तो इंडियन कोटा भी कम होगा ऑस्ट्रेलिया होल्ड्स गोल्डन वीज़ा ऑस्ट्रेलिया एक गोल्डन वीज़ा देता था कि अगर तुम उनकी कंट्री के अंदर पाँच मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी पाँच मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स मतलब थ्री पॉइंट थ्री यू एस डॉलर्स रफली पच्चीस करोड़ रुपए इफ़ यू इन्वेस्ट ट्वेंटी फाइव करोड्स इन ऑस्ट्रेलिया इन प्रॉपर्टी यू विल गेट सिटीजनशिप सो बहुत से एक्स क्रिकेटर्स जो खुद को हाफ ऑस्ट्रेलियन बोलते कॉमेंट्री में दैट्स द वे दॉट दिटीजनशिप अफ्रीका में एक कंट्री है कैमरून जिसमें दुनिया में पहली बार वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट हो गई है वैक्सीन सबसे पहले अफ्रीका <laughs> में टेस्ट होती हैं सो कैमरून इट इज फुटबॉल में आज इंडिया और सीरिया का मैच है ए एशियन कप के अंदर इट्स अ डू और डाई इट्स अ मस्ट विन फॉर इंडिया अगर हार जाती है तो एशियन कप से बाहर हो जाएगी उज्बेकिस्तान से हम हार चुके हैं थ्री जीरो से उससे पिछला मैच भी आ रहे थे और पिछला ड्रॉ हुआ था इंडिया इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी को हैदराबाद में स्टार्ट होगा कोहली नहीं खेलने वाला पहले दो टेस्ट मैच रीजन पर्सनल है दैट्स इट एज पीटरसन वंस अ स्पोर्ट्स रीजन वी डोंट नीड टू इट एनी फर्दर ओली और गुलमार्ग में हर साल बर्फ गिरती है और स्कीइंग होती है इस साल बर्फ नहीं गिरी है तो स्कीइंग स्पोर्ट्स कुछ भी नहीं हुए इस साल रियाद के अंदर जॉय अवार्ड्स हो रहे थे सऊदी अरेबिया के अंदर जहाँ पे सलमान खान से एंथनी हॉपकिंस मिला और ट्विटर वाले ऐसे पागल हो गए जैसे पता नहीं एंथनी हॉपकिंस किस चीज़ से मिल गया सलमान खान इज ऑल्सो रिनाउंड एक्टर बजरंगी भाईजान देख लो तेरे नाम देख लो हम आपके यहाँ कौन देख लो मैरी गोल्ड देख लो स्टारिंग अली फाइनल डेस्टिनेशन वाली एक्ट्रेस और एंथनी ऑपकिंस को तो सब जानते हैं साइलेंस ऑफ द लैम्स और अभी रिसेंटली फादर पादर ही थे ना वो मूवी जिसमें उसको डिमेंशिया हो जाता है पीपल हु अटेंडेड राम मंदिर फ्रंट पेज पे आज वही है सब जिन्होंने अटेंड करा और जिन्होंने नहीं अटेंड करा उनके बारे में कोई न्यूज़ नहीं होती सो so, जिन्होंने अटेंड करा गुड लक इट वाज अ हिस्टोरिकल मोमेंट लाइफ में बहुत कम ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो हिस्टोरिकल होते हैं उसमें से एक ये था मिस वर्ल्ड पेजेंट होता है हर साल 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट होगा इस साल जो इंडिया होस्ट करने वाला है दो जगह पे होस्ट होगा भारत मंडपम जो प्रगति मैदान को नया बनाया है मोदी जी ने उसका नाम भारत मंडपम है नई दिल्ली में और जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो अंबानी ने बनाया है मिस्टर अंबानी इन बीके सी नॉट द अब्यूज बी के सी मीन्स बाद्रा कोरोला कॉम्प्लेक्स मुंबई के अंदर एटीन फेबररी से नाइन्थ मार्च तक इंडिया आज तक तीन बार जीता है नाइन्टी फोर में ऐश्वर्या राय जीती थी नाइन्टीन सेवन में डायना हिंडन जीती थी और रिसेंटली ट्वेंटी सेवेंटीन में मनुषी छिल्लर जीती थी शी वॉज अ डेंटल स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट आई डोंट नो एंड शी वॉन्ट इट एंड शी बैक द यशराज प्रोजेक्ट जिसमें उसने दो मूवीज करती है अभी तक यशराज की सो ऑल द गर्ल्स हु वॉन्ट टू बिकम बिग एक्ट्रेस दिस इज द राइट पाथ गो टू वर्ल्ड मिस इंडिया देन गो टू मिस वर्ल्ड एंड देन बैक यशराज एंड बिग मूवी प्रोजेक्ट्स बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म ऑस्कर रेस के आज नॉमिनेशन डिसाइड होंगे अभी शायद यूट्यूब पर लाइव ही हो रहा हो इंटरनेशनल मूवी के अंदर 2018 केरला की मूवी थी मलयालम मूवी जो फ्लड्स के ऊपर बेस्ड थी वो बाहर हो चुकी है जो बेस्ट मूवी है उसके अंदर 250 फिल्म्स नॉमिनेटेड उनमें से नॉमिनेट होंगी उसमें दो फिल्म इंडिया की एक है 2018 और एक है ट्वेल्थ फेल चांसेस बहुत कम है क्योंकि ओपन और बारबी मोस्ट प्रोबेबली और दो तीन फिल्मों को नॉमिनेशन मिलेगा हमारे खुद के जो ऑस्कर हैं <laughs> फिल्म फेयर अवार्ड सिक्सटी नाइन्थ वो ट्वेंटी एट जनवरी को होंगे अहमदाबाद गुजरात में और फिल्म नॉमिनेटेड हैं जवान पठान रोकी और रानी की प्रेम कहानी ट्वेल्थ फेल एनिमल एंड ओ माई गॉड टू मोस्ट प्रोबली या तो जवान जीतेगी जवान जीतेगी और मे बी ओ माई गॉड टू और मे बी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ऑस्कर मार्च को और मिस वर्ल्ड वर्ल्ड पेजेंट होगा नाइन्थ मार्च को फाइनल तो दोनों में इंडिया के चांसेस हैं और ये वो टाइम होगा जिस टाइम इलेक्शंस अपने पीक सीजन में होंगे तो इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्लोबल स्टेज अ बिग बूस्ट टू फील गुड फैक्टर आउट फॉर दो बीसीसीआई के अवार्ड्स हो रहे हैं शुभमन गिल को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिलने वाला है

अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर जिसके अंदर अर्शिन कुलकर्णी इज़ द गाय टू लुकआउट फॉर इज़ अ टॉल फास्ट बॉलर एंड अ ओपनिंग बैट्समैन और अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन एंड हिज आइडियल इज जैक कालिस साउथ अफ्रीका जाने से पहले उसने जैक कालिस के पैर छुए थे और वो फोटो काफ़ी वायरल हुई थी ट्विटर पर तो ही इज द गाय टू लुकआउट फॉर एंड द लास्ट फाइनल गुड न्यूज इज़ हरदीप पुरी एक मिनिस्टर हैं यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर के पहले इंडियन फॉरन सर्विस के अंदर होते थे शायद इज अ गुड मिनिस्टर ही सेट इंडिया ट्वेंटी बढ़ेगी जी डी पी पर कैपिटा बढ़ेगा हम सब के पास पैसे आएंगे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा ऐश करेंगे सो भूमि इकॉनॉमी इज ऑलवेज गुड और ही सेवन टेन ट्रिलियन बाई द एंड ऑफ द डेकेड सो दीज आर द्वेंटी बिग न्यूज ऑफ टूडे टाइम हुआ है अभी छः बज के अट्ठाईस मिनट तारीख है आज तेईस जनवरी गुड नाइट